हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ। सो आज हम कैपलर थर्ड लॉ के लिए जो है एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। वी नो दैट कैपलर थर्ड लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ पीरियड्स, उसे हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। एंड इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो इस तरह से है, लाइक टी स्क्वेयर इज़ प्रपोर्शनल टू आर क्यूब। दैट टी इज़ बेसिकली द टाइम पीरियड फॉर द प्लैनेट अराउंड द सन एंड आर इज़ द सेमी मेजर एक्सिस देयर। सो स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज प्रपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जब इसको शुरू करेंगे, डिराइव करेंगे, वी विल टेक द ऑर्बिट टू बी सर्कुलर बिकॉज द रिजल्ट्स ऑब्टेन फॉर द सर्कुलर ऑर्बिट्स होल्ड्स गुड फॉर द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स एज वेल। बट हमें वहाँ पर एलिप्टिकल ऑर्बिट के केस में जो अगर रिजल्ट्स हमारे जो सर्कुलर के लिए ऑप्टेन होंगे वो एलिप्टिकल के लिए भी चलेंगे। बट इन केस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हमें वहाँ पर रेडियस की जगह पर लेना होगा सेमी मेजर एक्सिस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंपली कंसीडर दैट लेट सपोज ये हमारा एक सर्कुलर ऑर्बिट है एंड लेट सपोज दिस इज़ अ प्लैनेट एंड एम पी इज़ द मास ऑफ प्लैनेट एंड दैट प्लैनेट इज़ लाइक रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो ये मान लीजिए सन है और इसके मास को हम डिनोट कर देते हैं एम एस के साथ। दिस इज एम एस मास ऑफ सन, एम पी इज़ द मास ऑफ प्लैनेट। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और प्लैनेट के बीच में वो बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स टू रिवॉल्व और टू ऑर्बिट द ऑर्बिट। सो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और मास सन और अर्थ के बीच में वो रहेगा एफ इक्वल टू जी मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है प्लैनेट को टू ऑर्बिट दैट ऑर्बिट। एंड वी नो दैट दैट सेंट्रिपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है दैट इज सिंपली मास ऑफ प्लैनेट, बिकॉज वो प्लैनेट को प्रोवाइड हो रही है, इट इज सिंपली एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो लेट सपोज इट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज लाइक प्रोवाइडिंग दैट सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर द प्लैनेट टू ऑर्बिट द ऑर्बिट। सो वी कैन इक्वेट दीज टू फोर्सेज देयर। सो जी एम एस एम पी अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू लाइक एम पी हमारे पास है, एम पी से एम पी कैंसिल हो जाएगा। बट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। वी नो दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो वेयर इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट? सो इट इज रिटन एज स्मॉल आर। सो यहाँ पर फ्रेंड्स एक आर से आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड एम पी से एम पी भी कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ जी इन टू मास ऑफ सन अपॉन आर एंड इट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। देन फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट हम यहाँ पर कुछ और ऐड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक दिस इज आर स्क्वायर। वी नो दैट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल टू टू पाई बाय कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट। सो टाइम पीरियड के लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं ओमेगा की जगह लिखूंगा टू पाई बाय कैपिटल टी, वो बन जाएगा फोर पाई स्क्वायर, बिकॉज यहाँ स्क्वायर है फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। सो यहाँ से एक्सप्रेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर इट इज़ लाइक टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज़ आर ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, ये बन जाएगा आर क्यूब और ये है यहाँ पर फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम मास ऑफ सन। सो दिस इज़ द डिडक्शन ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ, लाइक फोर पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सन, दीज टर्म्स आर द कॉन्स्टेंट। सो वी कैन से दैट टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू आर क्यूब। And this results also holds good for if you take the orbit to be elliptical, but in that case you have to replace that r with the semi-major axis. So let's suppose मैं semi-major axis को small a से represent करता हूँ, so t square is written as proportional to a cube. So that is the proof of Kepler's third law. So here we simply write the gravitational force between the sun and the earth and then equate it to the centripetal force, because centripetal force is required for this motion. We write the expression in terms of omega and then write omega in terms of time period. So this is the answer. Thank you.